सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है आपके ट्रेनिंग से रिगार्डिंग। थोड़ा सा ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले जहां अप्रॉक्सीमेटली आपको 100 डेज लगते थे ट्रेनिंग के लिए, तो अब उसे कहीं ना कहीं 79 डेज का कर दिया गया है। सिंगल ट्रैक्शन एज वेल एज ड्यूअल ट्रैक्शन के बारे में भी उसमें बता दिया गया है कितने दिनों की क्या ट्रेनिंग रहेगी। आप बोलोगे भाई किस साइड से है, तो फटाफट चलते हैं और ये शॉर्ट नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये रहा जो कि 13 तारीख को आया हुआ है। आप सभी जानते हैं ट्रेनिंग का जो स्पेशली इनिशिएटिव सभी जोन के द्वारा ले लिया गया है, बस उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पर करवाना है। तो सबसे पहले इस कोस्ट रेलवे ने इसे इनिशिएट किया गया है, और इसमें क्या गया है, रिवाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर ALP इंडक्शन ट्रेनिंग एंड कन्वर्जन ट्रेनिंग। जो इंडक्शन प्रोग्राम होते हैं, आप सभी जानते हैं, स्टार्टिंग के फेज में आपको करवाया जाता है, उसी के बाद आपका जो कन्वर्जन ट्रेनिंग होता है उसके रिगार्डिंग ये लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, इसमें सबसे पहले जो रेफरेंस भी जो 5 तारीख को पूरा का पूरा नोटिस आया था उसी के रिगार्डिंग में ये लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लीज फाइंड द इनक्लोज हियर विद रेलवे बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस रिगार्डिंग रिवाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल। ये रिवाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ALP इंडक्शन ट्रेनिंग एंड कन्वर्जन ट्रेनिंग। द सेम इज इन ईमेल टू यू फॉर नेसेसरी एक्शन। सभी कैंडिडेट्स को ईमेल भी कर दिया जाएगा ये, जैसे ही एज सुन एज पॉसिबल इसकी डेट पब्लिश कर दी जाएगी। तो दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखिए, ALP इंडक्शन प्रोग्राम ट्रेनिंग मॉड्यूल, आपके कौन कौन से जो मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर उसके नाम लिख दिए गए, फिर ड्यूरेशन और ड्यूरेशन। दोस्तों, सिंगल ट्रैक्शन अगर आप मैकेनिकल का कर रहे हैं, फिर मैकेनिकल प्लस डीजल लोकोमोटिव की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इनका पूरा का पूरा सिंगल ट्रैक्शन में आता है, और ये ड्यूअल ट्रैक्शन में अगर दोनों कर रहे हो। तो पहला है आपका इनिशियल जनरल ट्रेनिंग, जो दोनों में 3-3 डेज का रहेगा। फिर ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन फायर फाइटिंग एंड फर्स्ट सेट, ये भी 25 डेज का रहेगा दोनों में। और फिर बेसिक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैरेज वेगन लॉबी, ये भी 18 दिन का रहेगा। ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक कोर्स सब्जेक्ट मैटर, अगर आप ये सिंगल ट्रैक्शन में हैं, सिंगल ट्रैक्शन में मैकेनिकल का है, तो आपको 20 दिन का रहेगा। पर मैकेनिकल प्लस डीजल इलेक्ट्रो लोकोमोटिव का करेंगे तो आप ये 14 डेज का रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक सब्जेक्ट और आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग इंटरसेप्टेड विथ ट्रेनिंग थर्ड एंड फोर्थ अबव, तो ये आपको मिनिमम 1250 किलोमीटर 10 डेज के अंदर, और यहाँ पर 20 डेज आपको थोड़ा सा और आगे कवर करवाया जाएगा। फिर रिवाइज एंड रिव्यू एंड एग्जाम, आपके पूरे के पूरे जो एग्जाम होगी और रिव्यू, वो 3-3 डेज का चलेगा। तो अगर आप सिंगल ट्रैक्शन की बात करते हैं तो 79 डेज का, ड्यूअल ट्रैक्शन की बात करते हैं मैकेनिकल पर डीजल का, तो 109 डेज का। और आगे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्जन ट्रेनिंग, देखिए कन्वर्जन ट्रेनिंग में पूरा का पूरा जो ड्यूरेशन है वो 36 डेज का रहेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के अबव रहेगा। रिव्यू एंड एग्जाम ओनली 1/2 डे का रहेगा आपका, 4 से 5 घंटे में हो जाएगा। फिर आपका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, ये देख लीजिए, ट्रैक्शन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट में आपको 25 दिन लगेंगे। फुट प्लेट ट्रेनिंग अंडर लोकल इंस्पेक्टर, ये 10 डेज के अंदर रहेंगे। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा आपका जो प्लान है, कह सकते कहीं ना कहीं जो मॉड्यूल है और कन्वर्जन ट्रेनिंग का नोटिस है, ये पूरा पब्लिश कर दिया गया है एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही डेट पब्लिश होगी तो आपको ये ट्रेनिंग भी स्टार्ट, जो इंडक्शन है और कन्वर्जन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। कल्याण पार्टनिक, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नेचर उनके, चीफ इलेक्ट्रिकल लोको इंजीनियर। तो दोस्तों, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन था आपके ट्रेनिंग से रिगार्डिंग। एज सुन एज पॉसिबल और भी ट्रेनिंग के अपडेट्स और ज्वाइनिंग के जो लेटर्स हैं, मैं चैनल पर पब्लिश करने वाला हूँ। मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, जो जो चैनल से नहीं जुड़ा है, प्लीज चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आने वाले। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं रोकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के रिगार्डिंग आपके क्या डाउट्स है, क्या क्यूरीज है, प्लीज कमेंट बॉक्स से कमेंट करना न भूले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।